राष्ट्र को इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है सोसाइटी के अंदर जब भी ये रहेगा, एक नया सिंह अपने पोलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए सरनेम लगाए इसीलिए वो सीईओ बनाए राष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए इनडिसीजन विलम वर्सेस मेरिटोक्रेसी की गेम है दत्रष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे यू शुड लर्न व्हाट टू बी फ्रॉम कृष्णा एंड व्हाट नॉट टू बी फ्रॉम दत्रष्ट्र ये पहले श्लोक का पर्पस है बृहन्तराची मत भगवत गीता की आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गीता इन एक्शन पहले करेंगे मंगलाचरण मंगलाचरण क्या होता है आप अलपिशोसन इसका इन्वोकेशन करते हैं तो आप मेरे साथ में आग बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुनमिलितमयेना तस्मै श्री गुरवे नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय तो प्रभुपाद ने हमें अनुवाद दिया है इस भगवद गीता का जिससे गीता को समझना आसान हुआ है तो हम आज पहला श्लोक लेते हैं और वहां से चर्चा शुरू करते हैं तो आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए बोले धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुरवतो संजय अनुवा धृतराष्ट्र ने कहा हे hey, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं इधर यानी का उन्होंने अपने आप को पांडु से अलग कर दिया पांडु जीवित है अभी नहीं, नहीं है पांडु जीवित नहीं है उनको क्या कहना चाहिए था हमारे पुत्रों ने क्या किया हमारे बच्चों ने क्या किया हमारी टीम ने क्या किया हमारे लीडर्स ने क्या, ने क्या किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हमारी फैमिली ने क्या किया मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका अर्थ क्या हुआ पांडु कोई अलग आदमी है पांडु कोई गलत आदमी है और उसके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है इस समय और झगड़ा चल रहा है ये गड़बड़ आदमी है पांडु क्या किया उनके बच्चों ने बताओ मुझको संजय जल्दी रिपोर्टिंग दो

धितष्ट्र तो केवल आंखों से अंधे नहीं थे वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे और इमेजिन करो युद्ध होने से पहले एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट किया और ने पूछा सारे एस्ट्रोलॉजर से क्या होने वाला युद्ध में एस्ट्रोलॉजर्स ने आकर के बता दिया कि आपकी सारी संतानें मारी जाएंगी इंक्लूडिंग दुर्योधन एवरीबडी विल बी डेड आके पहले बता दिया और जिस व्यक्ति को यह पता चल गया उसके बावजूद उसका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो एक इंटेलिजेंट स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मेरे को गलत काम मेरी आंख के सामने हो रहा है और मुझे इसको रोक देना चाहिए उसको लग रहा है जीते मरते किसी तरीके से हो सकता है मौका मिल जाए कि मैं पांडुओं से साम्राज्य ले लू और मेरे बच्चों को सब कुछ मिल जाए सो यू डेलिबरेटली यू चूजिंग अ रॉन्ग पाथ दैट इज धतराष्ट्र धित को मालूम है सब खत्म हो जाएगा स्टिल ही टू स्टॉप द बैटल बंद नहीं करा पा रहे हैं वो युद्ध को रोक देना चाहिए था वहीं पर इसको बोलते हैं स्टेटस कोट ट्रैप जैसा चल रहा है चलने दो और हम लोग की लाइफ में ऐसा बहुत होता है गीता इन, इन एक्शन बड़ा होता है कि आपको देखते देखते पता नहीं चल रहा कि आपके मरने वाली सब। मेरा पूरा साम्राज्य समाप्त होने वाला है। सब कुछ खत्म होने वाला है तो धृतराष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए इन डिसीजन क्या नाम होना चाहिए धृतराष्ट्र एक डिसीजन ना लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है ये वो व्यक्ति है हाथा इन एक्शन एवरीबडी क्या है, है खराब चल रहा है और गड़बड़ चल रहा है तो आप जब घोड़े से चल रहे हो और मालूम है कि घोड़ा पगला गया और गड़बड़ करेगा और तकलीफ करेगा तो घोड़े से गिर जाने में समझदारी है पर प्लानिंग करके गिरना चाहिए वो मोटाइम कैसे गिरना चाहिए घोड़े से प्लानिंग करके गिर जाओ चलते घोड़े से तो चोट कम लगेगी जिस दिन घोड़े ने जबरदस्ती गिरा के ऊपर आके चढ़ गया तो गेम ओवर हो जाएगा क्या मेरी बात समझ आ रही है yes. तो अगर सिचुएशन को बदलना है तो इंटेलिजेंटली बदलना चाहिए था धृतराष्ट्र की जगह कोई और होता बुद्धिमान आदमी तो सामने पांडवों की टीम के तीन चार लीडर को और कृष्ण को बुला करके एक थोड़ा बैठ करके डिस्कशन नेगोशिएशन कर लेते हैं भाई देखो बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं जब समझ में आ गया एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया उनकी पावर को वो समझ रहे हैं इसलिए व्हेन यू हैव पावर यूज इट व्हेन यू हैव पावर यूज इट लेकिन कैसे कैसे करेंगे उसको वाइजली राइटली टाइमली इसको बोलते हैं डब्ल्यू आर टी वन मोर टाइम कम ऑन क्या बोलते हैं फॉर्मूलाइए वाइजली राइटली टाइमली वन मोर टाइम कम ऑन क्या मतलब होता है इसका वाइजली मतलब बुद्धि के साथ राइटली मतलब ईमानदारी के साथ टाइमली मतलब समय के साथ हाथा गिलाइए वाइजली मतलब राइटली मतलब ईमानदारी के साथ ईमानदार नहीं थे दृत और टाइमली मतलब सार। बच्चे सारे शौक के शौक पुत्र मारे गए उसके बाद करने का डिसीजन कोई फायदा रह गया नहीं ऐसे ही देखते देखते जिंदगी में समय स्टूडेंट के हाथ से निकल जाता है एक एंट्रेंस में फेल हुआ दूसरे में फेल हुआ तीसरे में फेल हुआ हाथा क्यों क्यों क्योंकि वाइजली राइटली टाइमली उसने एक्शन नहीं लिए हाथा गीता इन एक्शन नॉट इन थ्योरी गेम चेंजर है ये ग्रंथ जो आदमी भगवत गीता एक बार पढ़ लेना उसके बाद तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं जिंदगी भर का एडिक्शन एक मूवी को दूसरी बार नहीं देख सकते आप जिंदगी में लेकिन भगवत गीता को जिंदगी भर लगातार हर जन्म में पढ़ सकते हो और आपको लगेगा हर बार के फ्रेश सबसे पावरफुल ग्रंथ है ये ताकत है भगवत गीता की आज धतराष्ट्र को बोलते हैं कार ये एक एक, एक नया सिंड्रोम एक है एक बीमारी है धतराष्ट्र इसको बोलते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम क्या बोलते हैं क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम कभी काम वाली बाई को देखा है में और काम वाली बाई में बताता हूं आपको अपमान करने के लिए नहीं बोलूंगा पर रिपोर्ट करने के लिए बताऊंगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती है कुछ गंदगी है तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़ के निकल जाती है नहीं तो लंबा काम करना पड़ेगा क्या मेरी बात समझ आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बहुत होता है सामने आपके कंपनी में गलती हो रही है भारी गलती हो रही है लेकिन लीडर चुप रहता है अरे भी बता दूंगा तो डांट पड़ेगी बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा अरे बता दूंगा तो खुद ही सॉल्व करना पड़ जाएगा चुप रहता है हाथा गिलाई कारपेट के नीचे।, नीचे तो जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं कुछ महीनों के बाद जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं देखा आपने छोटे छोटे कीड़े मिट्टी गंदगी निकलती है धित राष्ट्र वॉज प्रैक्टिसिंग कारपेट के नीचे सिंड्रोम हाथा गिलाई कैसे देख रहे हैं सब गलत हो रहा है लेकिन चुप बैठे जो गलती हो रही कारपेट के नीचे डाल के चुप उनको चैलेंज किया था विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैलेंज किया कि इज ब्लाइंड ही शुड नॉट बी मेड द किंग को राजा नहीं बनाना चाहिए और अपने अगर वो चेयरमैन है बोर्ड के और देख रहे हैं कि बोर्ड में दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं मेरे बोर्ड में शकुनी भी अवेलेबल है विच इज द इवल वन और मेरे बोर्ड में भीष्म पितामह भी अवेलेबल है हु इज द जेंटल वन आई शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीष्म पितामह को यानी कि बोर्ड में एडवाइजर तो बुद्धिमान थे लेकिन मैं उन एडवाइजर की एडवाइजरी ले नहीं रहा था लाइक मैं और मेरा मैं और मेरा, मेरा। मैं मेरा पुत्र दुर्योधन हमको सब कुछ मिलना चाहिए और यही बायस जो है ना स्टेटस को ट्रैप इसी ने काम खराब किया वोट डब्ल्यू आर टी फॉर्मूला याद रहेगा आपको क्या है याद रखिए इसको सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा नेपोटिज्म बढ़ेगा और वो नेपोटिज्म क्या है आज अपने इन बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है आज सोसाइटी में डॉक्टर्स जजेस लॉयर्स चार्ट अकाउंटेंट कई दफा ऐसा करते हैं कि जहां पे वो ऐसे एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं उसको पोस्ट देते हैं पोजिशन देते हैं इससे नेशन सफर करता है इससे साम्राज्य है पूरा साम्राज्य सफर करता है और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन बियॉन्ड थ्री जनरेशन दादा पिता पुत्र के बाद खत्म हो जाती है प्राइवेटली ओन्ड कंपनी ज़्यादातर क्यों क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए सरनेम लगाए इसीलिए वो सीईओ बनाए इसलिए नहीं बना कॉम्पिटेंट था तो एक्शन क्या होगा हाद गीता एन एक्शन यह होना चाहिए कि अगर परिवार साथ में जुड़े हैं तो धित्राष्ट्र को बोलना चाहिए भाई तेरा शेयर है कंपनी में तेरा शेयर है लेकिन काम कॉम्पिटेंट आदमी को करने दो ऑपरेशन कॉम्पिटेंट आदमी करेगा तेरी ओनरशिप है अगर मेरी ये प्रॉपर्टीज़ है तेरी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री है बट दी वर्क शुड बी डन बाय कॉम्पिटेंट मैन नॉट यू दुर्योधन अगर भाइयों में भी झगड़ा चल रहा है तो भाइयों को भी बोलना चाहिए कि हम लोग फैमिली हैं हम लोग फैमिली का ओनरशिप में शेयर है लेकिन प्रोफेशनल आदमी को आकर के इस कंपनी को चलाने दो दैट इज वॉट हैपन बिटवीन बैद्यनाथ एंड डाबर दित राष्ट्र वॉज मोर लाइक like वैद्यनाथ नॉट डाबर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे डाबर ने कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया सबकी अपनी शेयर होल्डिंग रखी लेकिन प्रोफेशनल टॉप लीडरशिप को लाकर के उनको दिया कि तुम कंपनी डाबर को चलाओ पर बैद्यनाथ ने क्या किया आपस में सब तोड़ लिया धित की इंटेलिजेंस नहीं थी के पास डील को स्ट्रक्चर करने के बहुत तरीके थे दुर्योधन तुमको क्यों चाहिए साम्राज्य बोला पापा आई वॉन्ट टू एंजॉय आई वॉन्ट पावर आई वॉन्ट मनी आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट आई वॉन्ट टू रिलैक्स ओके दुर्योधन वो वैसे भी करा देते हैं क्या टेंशन है तुमको

कोई भी आता है यूरोपियन जाते हैं अमेरिकन जाते हैं इंडियन जाते हैं बिजनेस करते हैं शेख को बोलते हैं इसको, है, इसको धृतराष्ट्र तो के पास कई तरीके थे पर धृतराष्ट्र का एक और नाम क्या है इन क्या नाम है Indecision. वो डिसीजन नहीं लिया धृतराष्ट्र ने इसीलिए गेम ओवर हो गया तो वो डील को स्ट्रक्चर करने के इतने तरीके थे कि उनको बोलना चाहिए था भाई देखो आप दुर्योधन रॉयल्टी इनकम ले लो आप रेंटल्स ले लो पांडवों से आप कुछ भी ले लो हिसाब किताब बना लेते हैं रिलैक्स करो आपको एंजॉय करना आप एंजॉय करो वो बेचारे मेहनत करेंगे उनको करने दो ना और वो ऊपर से ईमानदार आदमी भी है वो तुम्हारा पैसा हक्का मारेगा भी नहीं किसकी बात कर रहे हैं युधिष्ठिर के युधिष्ठिर इतना ईमानदार है कि तुमने सेट कर लिया भाई तुम्हारे को रेवेन्यू का इतना परसेंट देना युधिष्ठिर पक्का देंगे

आप बैद्यनाथ को देखोगे तो बैद्यनाथ क्या है वो पांच अलग अलग भाई हैं पांच अलग अलग एंटिटीज वहां पे नागपुर कोलकाता झांसी पटना और इलाहाबाद दैट इज बैद्यनाथ पांचों जगह अलग अलग भाई हैं पांचों जगह अलग अलग, अलग बैलेंस शीट बन रही है पांचों जगह अलग अलग, अलग बिजनेस हो रहा है का इलाहाबाद का किम कुरजया माम का नागपुर का पटना का झांसी का किम किमतो संजया इनके परिवार में रोज होता है बैद्यनाथ में ये क्यों होता है लाइव केस स्टडी क्यों बैद्यनाथ की टीवी में ऐड नहीं आती इसीलिए नहीं आती कि वो नागपुर वाले को लगता है मैं टीवी में ऐड करूंगा अलाहाबाद वाला कमा लेगा मेरी ऐड देखने पे क्या मेरी बात समझ आ रही है इसीलिए आज झांसी वाला पटना वाला कोलकाता वाला ऐड नहीं कर रहा कि नागपुर वाला मेरे पैसे खर्च करने पर टीवी पे ऐड आएगी वहां सलमान खान बोलेगा बैद्यनाथ का चवन खाओ और नागपुर वाले का बिक जाएगा पैसा मैं लगाऊ नहीं 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 हालांकि बाद में बैलेंस शीट इनकी कंसोलिडेट होती है आज भी परिवार साथ में है लेकिन फिर ये डिवीजन इसीलिए हुआ ना क्योंकि मेरा मेरे बेटे को मेरी गद्दी मेरा बेटा संभालेगा दैट्स द प्रॉब्लम ये समझ में आना चाहिए इसको पता क्या बोलते हैं आज सारे इंडिविजुअल एस बी यूज रन कर रहे हैं वो लोग आपकी जानकारी के लिए तीस साल से कम उम्र में सौ परसेंट लगभग सौ परसेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी उम्र तीस साल से कम है वो सब हेरिडेटरी पावर होल्ड कर रहे हैं यानी कि उनके परिवार में कोई ना कोई नेता था 40 साल की उम्र से कम जितने उसमें 66 परसेंट हेरिडेटरी और इसके अलावा एक और नया टर्म आया इसको बोलते हैं मल्टी हेरिडेटरी यू नो व्हाट इज मल्टी हेरिडेटरी ये वो नया कर आया जिसके मल्टीपल हाइपर हेरिडेटरी बोलते हैं इसको मल्टीपल परिवार में कनेक्शन ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में हूं सो कॉम्पिटेंट गाय कम गाय हूज अ फैंड शुड लर्न वो बी फ्रॉम कृष्ण एंड वट नॉट टू बी फ्रॉम धित्रोक का पर्पज है क्या नहीं बनना है, वो से देखना है और क्या बनना है वो कृष्ण से देखना है अब यह भगवदगीता हमारी शुरू हो रही है मैं मैं तो इसको ऐसे मानता हूं कि जब आपको ये दिख गया ऊपर से प्रॉब्लम क्या है को का भी मेरे को गलती बहुत बड़ा है इसके अंदर को फाउंडर कौन है इधर कौन उंड करेगा को फाउंडर कौन है नहीं को फाउंडर गांधारी है धित की आंखें नहीं है गांधारी कह रही है मैं भी पट्टी लगा लेती हूं क्यों भाई किस लिए है भाई जब धितष्ट्र को नहीं दिख रहा है आप कह रहे मैं भी नहीं देखूंगी और हो क्या रहा है उसका रिजल्ट आता है कि बोथ ऑफ देम बोथ दम सेम वीकनेस उनके पास कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ नहीं है और दोनों की सेम वीकनेस बिकम्स द नेशनल वीकनेस डज इट बिकम नेशनल वीकनेस आपको देखना चाहिए मेरे में ये कमी है भाई इसको सुनने में दिक्कत है मुझको देखने में दिक्कत है तो मिलके काम कर लेंगे दोनों को ही देखने में दिक्कत है तो तो गड़बड़ हो गई ना यू अग्री विद मी यस नो तो गांधारी फॉर वट एवर रीजन शी डेड बट अल्टीमेटली उनका पूरा साम्राज्य इसीलिए समाप्त हो गया क्योंकि दोनों ने आंखें बंद कर ली और ऐसे ही हम लोग कई बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि यार जो चल रहा है चलने दो हाथा गिला क्यों yes. क्योंकि अपने यहां ऐसे ही होता है वो मोटा अपने यहां इस मानसिकता को बदलना है कौन बदलेगा हम नहीं बोलिए कौन बदलेगा जिम्मेदारी किसकी है तू कैन नॉट मेक इट टू रॉन्सारी बोल रहा हूं और वहीं से समस्या हो गया सारा बढ़ता गया इसीलिए नेपोटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी की गेम है सिंगापुर एज अ कंट्री इज वर्किंग ऑन मेरिटोक्रेसी पूरा सिंगापुर मेरिटोक्रेसी आप में दम है तो आपको आगे बढ़ाएंगे आप मेरे बेटे हैं आप इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे अब में दमे तो इसीलिए सिंगापुर आज कहां पे है कम से कम बारह पिरास में टॉप थ्री कंट्रीज के अंदर आता है वर्ल्ड में सिंगापुर बारह पिरास है ऐसे दस से ज्यादा पेरामी जिसमें दुनिया के टॉप तीन देशों में सिंगापुर का नाम आता है हाँ लिए क्यों मेरिटोक्रेसी नेपोटिज्म नहीं हमारे गांव से आए हैं बहुत बढ़िया यादवों का छोरा वाई यू नोट हॉट टू डू दैट यू गोट टू गेट अम्पिटेंट गाय एंड दैट इज द प्रॉब्लम इसको पता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थ्री जनरेशन कर्स क्या बोलते हैं थ्री जनरेशन कर्स।, कर्स का मतलब है दादा ने शुरू किया पिता ने चलाया बेटे ने गवाया इसका अर्थ क्या हुआ द फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट द बिजनेस सेकेंड जनरेशन रन इट थर्ड जनरेशन रियज इट थ्री जनरेशन कर्स और थ्री जनरेशन कर्स में बिजनेस के अंदर तीन जनरेशन नहीं लगते हैं एक्चुअली बिजनेस के अंदर तीन लीडरशिप लगती हैं तीन तीन साल में एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले जाते हैं खत्म बहुत जल्दी खत्म ये कोई धृतराष्ट्र ने टेक्निकली जो किया वो इलीगल नहीं है कि मैं आज फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कम कम है नाम कम है नाम मालूम मैं डेविड धवन हूं और मेरे बेटे का नाम क्या है वरुण धवन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं इीगल नहीं है ये।, ये लीगल है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को आगे बढ़ाना चाहता है इीगल है लेकिन इन... इंटलेक्चुअली राइट डिसीजन नहीं है बस क्या नहीं है right ना उसके खुद के लिए ना बाकी दुर्योधन के खुद के लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा क्रिएट किया है इसीलिए दुर्योधन इलीगल हो गया तो धुतराष्ट्र की इनकॉम्पिटेंसी के कारण बहुत कई बार लोग बोलते हैं ये युद्ध जो हुआ महाभारत का उनके कारण हुआ अर्जुन की धर्मपत्नी के कारण हुआ द्रौपदी के कारण टेक्निकली ये सब कुछ द्रौपदी के कारण या दुशासन के कारण नहीं होता है टेक्निकली सब कुछ होता है टॉप लीडरशिप के कारण जिसकी जिम्मेदारी है वहां जो टॉप क्यों बाद में कौरवों की साइड में जो थे उनको ये क्यों सहनी पड़ी बाद में यातनाएं क्यों उनको पाप लगा इसीलिए क्योंकि वो भी इनडिसीजन के भागीदारी थे देव आर अनादर फॉर्म ऑफ अब ये इतना पुअर इंफ्लुएंसर है कि सिनारियोज को एंटिसिपेट नहीं कर पायाष्ट्र धितराष्ट्र का ना क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मेट्रिक्स होता है क्या होता है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स कि क्रिटिकल काम क्या हुआ बहुत इंपॉर्टेंट काम और केपेबल आदमी हाथ अलाइए क्रिटिकल काम जरूरी काम केपेबल आदमी यानी कि अगर हार्ट सर्जरी करनी है तो हार्ट सर्जरी हम किससे कराएंगे मान लो ये कैमरा मैन बहुत मोटिवेटेड है तो इससे भी कराई लोगे आप मेरा बेटा है ये करा लो करा लो ते मन से करेगा दिल से YouTube पे खोल के ऑफलाइन वीडियो साथ में लगा के हार्ट सर्जरी कर देगा <laughs> हाँ? आज लेकिन एक बात है जब आदमी मोटिवेटेड होता है उसके अंदर विल हो तो वो कुछ भी कर सकता है यस यस नो 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 ऐसे नहीं होता है कि मैं मोटिवेटेड हूं आज भाई हवाई जहाज उड़ाएगा <laughs> <laughs> क्यों भाई मोटिवेटेड है बस आओ बैठो हमारे साथ मैं उड़ाऊंगा हवाई जहाज मोटिवेटेड हूं इट दैट यू नीड कॉम्पिटेंस You need? आपको कॉम्फिडेंस में एटीट्यूड स्किल नॉलेज तीनों चाहिए अब दुर्योधन को हवाई जहाज नहीं उड़ाना आता तो ये धृतराष्ट्र की गलती है कि वो कह रहा है कि नहीं उड़ाने दो उसको उधर से बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण आर्बिट्रेशन के लिए आए हैं और आर्बिट्रेशन सबसे बड़ी आर्बिट्रेटर है कृष्ण जो बीच में आकर के मध्यस्थता कर रहे, है। रहे हैं कह रहे हैं, मैं निपटाता हूं डोंट वरी नहीं तुम नहीं मैं दुर्योधन को भाई उड़ाएगा हवाई जहाज दैट इज द प्रॉब्लम आ, उनको समझ नहीं आ रहा है आप क्या है बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट से कंपनी में चाय पिलवाने का काम करा रहे हो उसको बोलते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी मैट्रिक्स घर का आदमी है कोई बात नहीं पिला दे आज चाय ही पिला देगा लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया उस टैलेंट का आपने उसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो बायस है ये जो ये जो लॉन्ग टर्म फोकस को मिस कर देना ये जो अनएथिकल होना होना ये जो होना, ये जो जो ग्रीडी सही चीज के साथ नहीं खड़ा हो पाना ये कि वे वे और हाई या तो मेरे रास्ते या से निकल जा ये जो है एक शॉर्ट कमिंग को अपनी गलती को एक्सेप्ट ना कर पाना और एक कॉम्पिटेंट आदमी को वैल्यू ना करना यह सब किस में रिजल्ट देता है दो चीजों में रिजल्ट देता है एक है वीकनेस प्लस विकेडनेस इज गेम ओवर सुनिए मेरी बात वीकनेस प्लस विकेडनेस इज एक तो राष्ट्र वीक आदमी डिसीजन नहीं लेते और दूसरा विकेट यानी धूर्त आदमी चीट आदमी चीटिंग करने वाले पहला श्लोका का सार जो बिजनेस ओनर का ये पता है इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और ब्लंडर क्या होता है एक कॉर्पोरेट कहानी सुनाता हूं अमेरिकन आपको एनरॉन की जिंदगी में नई चीज समझ आएगी एनरॉन एक अलग ही केस स्टडी है दुनिया की 2001 एक में एंड्रॉन का एक साल का रेवेन्यू था 100 बिलियन डॉलर कितना मिलियन नहीं बिलियन ब ब बिलियन क्या होता है बिलियन 100 बिलियन डॉलर थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग एक बिलियन डॉलर कितना हो गया आठ हजार करोड़ 10 बिलियन डॉलर अस्सी हजार करोड़ 100 बिलियन डॉलर आठ लाख करोड़ का रेवेन्यू एनरॉन कर रहा है एक साल में दो के अंदर क्योंकि लीडरशिप कॉम्पिटेंट थी लेकिन धूर्त थी चलाक थी चीट थी वो कंपनी एंड्रॉन जो 2001 की शुरुआत में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी 2001 में 8 लाख करोड़ बहुत था भाई लोग समझ लीजिए और 2001 के अंत में वो कंपनी बैंक दिवालिया हो गई जीरो हो गई क्या हो गई समझ में आ रहा है तो ये कहावत बन गई क्या कहावत बन गई अगर कोई इनडिफिटेबल है अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको डिफीट नहीं किया जा सके जिसको हराया नहीं जा सके और वो ऐसे हार जाए कि आठ लाख करोड़ से जीरो पे आ जाए एक साल में तो उसको बोलते हैं तेरा 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 एनरॉन 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 हो 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 गया तेरा क्या हो गया एंड्रॉन। तेरा एंड्रॉन हो गया क्या तो का एंड्रॉन एक साल में हुआ था हो जाता ना भाई किसी किसी का एनरॉन हो जाता कोडाक का भी एनरॉन हुआ है कोडा कितना बड़ा था एनरॉन हो गया उसका नोकिया का भी एनरॉन हो गया कहावत बन गई तू अगर खत्म हो गया तो मतलब तेरा एनरॉन हुआ है क्या मेरी बात समझ आ रही है

ऑडिटर से भी बोल रहे हैं इस पे पर्दा डालो इसको छुपाओ यही हुआ एंड्रॉन में और यहां भी ऑडिटर थे यहाँ ऑडिटर कौन थे भीष्म पितामा द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको खरीद लिया गया कर्ण जैसे लोग सबको अपना बनाया सबको दबाव डाला और सबसे गलत काम कराया क्या मेरी बात समझ आ रही है yes. बस यहां फंस गए उधर गीता अर्जुन भी सुन रहे हैं गीता का एंड होते होते अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो गया संजय एक्साइटेड पे एक्साइटेड हो रहे मुहर 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 ओ मजा आ गया गीता सुन संजय के आखिरी के श्लोक सुन लो आपकी बुद्धि चक्रा जाए भाई गीता सुनने के बाद कोई इतना एक्साइटेड हो रहा है जैसे छोटा बच्चा वीडियो गेम देखते या कार्टून टॉम एंड जरी देख के एक्साइटेड होता है क्या मेरी बात समझ आ रही है ऐसा संजय एक्साइटेड हुए भगवत गीता सुन के उनका दिल बदल गया अर्जुन का दिल बदल गया पर धित्राष्ट्र का क्या था मेरा ईगो मेरा डिजायर मेरा अटैचमेंट मेरा दुर्योधन हाथा गहलाए क्यों अपने ऐसे ही होता है तो एक चीज धृतराष्ट्र से तो क्या सीखते हैं कि सीखनी है हमारे को हमें धृतराष्ट्र जैसा नहीं बनना है तो ये था हमारा आज का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम का संजय तो आज हम एक श्लोक लिया इसी तरह हम रोज एक श्लोक लेंगे और आपको इन्वाइट करेंगे और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके विषय में आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां आप रजिस्टर करें आपको इन्वाइट करेंगे हम और आपको एंट्री बाय इनविटेशन है आज हमारा पहला है श्लोक था ये और इस तरह एक एक करके हम पूरी भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे भगवत गीता को समझने के लिए चूंकि एक असीमित ग्रंथ है इसके लिए एक असीमित बुद्धि की आवश्यकता है मेरी सीमित है, मेरी सीमित सीमित बुद्धि बुद्धि है से मैं प्रयास करूंगा कि आपका भगवत गीता में अनुराग एक अटैचमेंट और एक प्रेम बढ़ सके और भगवत गीता को शिला प्रभुपाद ही सिखा सकते हैं पर मैं प्रयास करता रहूंगा हर पंछी की उड़ान की सीमा है और मेरी भी अपनी उड़ान की सीमा है पर अपनी सीमा के माध्यम से मैं इतना जरूर करना चाहूंगा कि आपके मन में गीता के प्रति श्रद्धा पैदा करना चाहता हूँ वो मेरे जीवन का लक्ष्य है और उसको आप पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए उनको मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज के वीडियो को आकर के ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए आप सबका इसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद